मैंने तो देखा कि योगी जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो इतने भावुक हो गए थे फिल्म देखकर। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस फिल्म के जो जितने भी दुश्मन, जो जितने भी एंटी नेशनल जो जिसे कह सकते हैं तत्व हैं, वो इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमारी सपोर्ट करेंगे। के साथ बैठ के आपकी स्पेशल स्क्रीनिंग थी मूवी की, कैसा सबका रिस्पांस रहा? आई थिंक मैंने तो देखा कि योगी जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो इतने भावुक हो गए थे फिल्म देखकर। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस फिल्म के जो जितने भी दुश्मन, जो जितने भी एंटी नेशनल जो जिसे कह सकते हैं तत्व हैं, वो इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमारी सपोर्ट करेंगे और जो नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और इस फिल्म से जुड़ेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि जो फिल्म है इस देश के बच्चों के लिए बनी है, ये फिल्म स्कूल्स में दिखाई जाए, लोग अपनी फैमिलीज को लेके जाएं। स्कूल और कॉलेजेस के भी बच्चे मौजूद थे, उन्होंने भी काफी इस मूवी को एक्नॉलेज किया और दे वर टू एक्साइटेड कि आप खुद भी वहाँ मौजूद रहे और पूरी मूवी देखी उन लोगों ने बैठ के। जी, तो बच्चों का ये रिएक्शन जो है बहुत अच्छा रहा। और महाराज जी ने हमें कहा कि वो फिल्म को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनको बहुत अच्छा लगा कि एक सैनिक की जिंदगी को इस तरह का ओट दिया है। और हमारी जो महिलाएं हैं वो डिफेंस में, और स्पेशली बाकी जो यहाँ पे मंत्री जी, उन्होंने कहा कि ये वुमेन एम्पावरमेंट की फिल्म नहीं है, ये वुमेन पावर की फिल्म है कि औरत की क्या शक्ति होती है और उनकी क्या साहस होता है। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.